नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कुत्ते काट लेने पर क्या घरेलू उपाय करने चाहिए, और उन्हीं में से कुछ पांच घरेलू उपाय आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, इससे के पहले हम आपको ये उपायों के बारे में बताएं, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि शरीर रोग संबंधित और जानकारी हम आपके लिए लेकर आ पाएँ। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या है इनके पांच उपाय। कुत्ते के काटने से इंसान को कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, यहाँ तक कि एक पागल कुत्ते के काटने से इंसान पागल तक हो जाता है। कई बार कुत्ते के काटने के बाद इंसान को तुरंत कोई इलाज नहीं मिल पाता, और ऐसे में कुछ घरेलू उपयोग बड़े काम के होते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे घरेलू उपाय जो बचाएंगे आपकी जान। तो आइए जानते हैं इन इलाजों के बारे में। दोस्तों, डिटोल से करें पट्टी। कुत्ते के काटने वाली जगह को साबुन से धोकर डिटोल लगाकर पट्टी बांधने से जहर का असर नहीं पड़ता। प्याज का रस, अखरोट की गिरी और बराबर मात्रा में पीसकर उसमें नमक मिला लें, और फिर इसे शहद में मिलाकर कुत्ते के काटने स्थान पर लेप करके पट्टी कर लें। ऐसा करने से शरीर पर कुत्ते के जहर का प्रभाव नहीं पड़ता। काली मिर्च और जीरा। दोस्तों, 15 काली मिर्च और 2 चम्मच जीरे को पानी में डालकर और इसे पीसकर कुत्ते के काटे वाले स्थान पर लगाते रहने से कुछ दिनों में जहर खत्म हो जाता है। शहद और प्याज। शहद के साथ पिसी हुई प्याज को मिलाकर कुत्ते के काटी हुई जगह पर लगाने से जहर का असर खत्म हो जाता है। लाल मिर्च। पिसी हुई लाल मिर्च को तुरंत ही कुत्ते के काटे वाले जगह पर लेप लगाने से कुत्ते का जहर नहीं फैलता। कुछ ज़रूरी बातें हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, इसको आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।